वणक्कम, तमिलनाडु टूर्स एंड ट्रैवल्स में आप सबका स्वागत है। वेल, अगर आप अपनी अगली ट्रिप तमिलनाडु की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किस तरीके से आप तमिलनाडु पहुंच पाएंगे, कौन कौन सी जगहें आपको विजिट करनी चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, सारी डिटेल्स अब हम आप तक लेकर के आ गए हैं। वेल, सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से आप तमिलनाडु पहुंचे। वेल, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश जो है अब एयर हो, रेल हो, हर तरीके से वेल कनेक्टेड हो चुका है। तो अगर आप तमिलनाडु की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चेन्नई शहर में डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वहीं इसके अलावा कई सारी ट्रेन्स जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, तो आपको पता ही होगा, वो भी आपको तमिलनाडु तक पहुंचा ही देगी। वेल, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी जगह है स्टेट में ज़रूर से विजिट करनी चाहिए। वेल, तमिलनाडु में लगभग 38,000 टेम्पल्स हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो तमिलनाडु का मदुराई शहर और महाबलीपुरम, ये दो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इन दोनों सिटीज़ को ज़रूर ज़रूर से विजिट करिए। वहीं अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करना चाहते हैं और वादियों से कोई घिरी हुई खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं तो तमिलनाडु में स्थित कुडाईकनाल और ऊटी, ये दो ऐसी जगहें हैं जो आपको नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों को भी भुला देंगी। वहीं अगर आप तमिलनाडु के सिटी कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं तो चेन्नई और कोयम्बटूर से बेहतर कोई भी जगह ही नहीं है। तो हमने आपको हर तरीके की प्लेसेस के रेकमेंडेशंस दे दिए। अगर आपको स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान करनी है या फिर आपको रिलैक्स्ड एक वेकेशन जीना है या फिर अगर आपको वहाँ की सिटी लाइफ देखनी है तो इन सभी जगहों को आप कंसिडर कर सकते हैं और अपनी आइटनरी तमिलनाडु की प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है खाने की। घूमना हो गया, लेकिन कहीं भी घूमने जाता है इंसान तो खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और हर जगह की लोकल डिशेस तो जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। वेल, सबको लगता होगा कि साउथ इंडिया चले गए तो वहां पर भी इडली और डोसा खा करके वापस आ जाएंगे। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप तमिलनाडु ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो ज़रूर ज़रूर से आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वेल, इडली डोसा तो एक बार खा ही लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का चेट्टीनाड क्विजीन जो है वो वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली चेट्टीनाड चिकन। वेल, चेट्टीनाड सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ग्रेवीज ही नहीं बल्कि वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी आता है। तो चेट्टीनाड क्यूजीन जो है वो यहाँ का आप ज़रूर ट्राई करिए। वहीं वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ का पोंगल और यहाँ की मिठाई जिसे पायसम बोलते हैं, ये ट्राई करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तमिलनाडु में जैसा पोंगल और पायसम मिलता है वो इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। वहीं हर किसी को पता है कि तमिलनाडु में कॉफ़ी का प्लांटेशन बड़े ही लार्ज स्केल पर होता है, तो यहाँ की फिल्टर कॉफी पिए बिना तो बिल्कुल भी रिटर्न मत आइएगा। वहीं अब बात करते हैं, घूमना हो गया, खाना हो गया, अब तमिलनाडु गए हैं तो वहाँ की कौन सी फेमस चीज़ लेकर के आए। तो तमिलनाडु में एक शहर है कांचीपुरम, जहाँ पर बनती है वर्ल्ड फेमस सिल्क की कांजीवरम साड़ियाँ, जिसे कांचीपुरम साड़ीज़ भी कहते हैं। वेल, इन साड़ीज़ की खासियत ये है कि ये सोने के तार से पिरोई जाती है और इसमें सोने की तार की कढ़ाई होती है, इसीलिए ये थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन हर तरीके की रेंज यहाँ मिलती है। तो तमिलनाडु जाइए तो ये साड़ी लिए बिना बिल्कुल भी वापस मत आइएगा। तो ये था तमिलनाडु का फुल टूर एंड ट्रैवल की आइटनरी। अगला, कौन से स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं तमिलनाडु के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट trends9.com पर लॉग ऑन करिए, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।